हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की इस सीरीज में। और आज हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म के कुछ एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एक बहुत ही अच्छा कोट जो कि है, व्हेन यू अंडर वैल्यू व्हाट यू डू द वर्ल्ड विल अंडर वैल्यू व्हाट यू आर। का मतलब है कि अगर आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेंगे या कम समझेंगे या कम आंकेंगे तो क्या जो दुनिया है वो आपको भी वैसा ही समझेगी, मतलब दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी या फिर कम आंकेगी। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसे बिल्कुल सीरियसली पूरे लगन के साथ करिए ताकि दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देख सके। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इनमें से कौन कौन से किंगडम जो है वो बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड थे। सबसे पहले हमारे पास अवंती, गंधार, कोसल और मगध। देखिए अवंती, इसका मतलब कहाँ पर है अवंती, उज्जैन या एमपी के आसपास। अवंती हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउथ में है, क्योंकि बुद्ध की जो लाइफ थी वो कंसंट्रेटेड थी सिर्फ तीन जगह, एक नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये तीन जगह कंसंट्रेट थी बुद्ध जी की लाइफ, तो इसलिए अवंती हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साउथ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा अपने पास। गंधार, गंधार की लोकेशन क्या है आपको पता होगी, गंधार की लोकेशन है पाकिस्तान में, ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है, कहाँ गंधार है, गंधार था। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया सिर्फ तीन स्टेट्स थे या तीन लोकेशंस थी जहाँ पे बुद्ध की लाइफ पूरी कंसंट्रेट थी, गंधार तो पाकिस्तान, ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए गंधार भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास कोसाला। आपको पता होगा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। वो किस किंगडम के अंदर आता है, वो आता है कोसाला किंगडम के अंदर ही आता है, लुम्बिनी जो है वो कोसाला किंगडम के अंदर ही आता है। अगला है हमारे पास मगध। तो मगध तो आप सभी को पता होगा कि बुद्ध की लाइफ से था, क्यों, क्योंकि उनकी डेथ कहाँ हुई थी, आप कुशीनगर में। कुशीनगर किस किंगडम के अंदर पे आता है, तो वो आता है मगध के ही अंदर आता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बर्थ से रिलेटेड है कोसाला और मगध जो है वो उनकी डेथ से रिलेटेड है, बट ये दोनों जो किंगडम है वो बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 3 और 4 ओनली। तो इसमें कहाँ पर है, तो ये है सी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 3 और 4 ओनली। अगर आप एलिमिनेशन से जाएं, अब देखिए सेकंड आप ऑप्शन को जो है वो इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि गंधार कहाँ है, पाकिस्तान में, और बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। गंधार में तो बहुत बाद में बुद्ध का जो प्रिंसिपल्स हैं वो फैले हैं, तो गंधार तो है नहीं, तो गंधार आप अगर काट दें तो सेकंड ऑप्शन अगर काटें तो आपके वैसे भी डायरेक्टली ये दो ऑप्शन कट ही जाते हैं, तब पास बचते हैं ये दोनों। अब आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अवंती के बारे में भी, कि अवंती की लोकेशन क्या है, अवंती जो है वो एमपी में आता है, तो इसलिए अवंती भी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाता है और बचता क्या आपके पास सिर्फ 3 और 4 ओनली। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और 4 ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये देखिए लुम्बिनी जो है वो कोसाला किंगडम में आता था, जो कुशीनगर है वो मगध किंगडम में आता था, जो अवंती और गंधारा है वो बुद्ध की लाइफ में नहीं था। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट। जो पेंटिंग है बोधिसत्व पद्म पानी की, ये जो पद्म पानी की जो पेंटिंग है वो कहाँ पर है, आपके पास ऑप्शन है अजंता, बदामी, बाघ और एलोरा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अजंता। ये जो पेंटिंग है पद्म पानी की, बोधिसत्व पद्म पानी की, वो है कहाँ है, अजंता में है, अजंता की केव्स में बनी हुई है। तो इसकी मेरे पास फोटो भी है, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये फोटो है बोधिसत्व पद्म पानी की। देखिए पद्म पानी का मतलब है कि जिसके हाथ में लोटस हो, जिसके हाथ में कमल हो, तो ये आपको दिख रहा होगा हाथ में कमल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बुद्ध के, तो ये कौन से बोधिसत्व है, ये पद्म पानी। और इनकी फोटो कहाँ पर है, इनकी पेंटिंग कहाँ पर थी, वो थी अजंता में। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा है, रिसेंटली ही आया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। इनमें से निर्वाण का कॉन्सेप्ट कौन से स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो देखिए सबसे पहला है जो हमारे पास ऑप्शन है, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। देखिए जो बुद्धिज्म है वो मेनली किसके, वो जो प्रिंसिपल्स है बुद्धिज्म के, वो मेनली किस चीज़ को दूर करने के लिए है, एक सौरव और एक
डिजायर, जो सौरव है वो किस कारण आते हैं, वो डिजायर के ही कारण आते हैं। तो मतलब इन द एंड अगर हम डिजायर को दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्वाण हम प्राप्त कर लेंगे बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, पूरी तरीके से अपने आप का त्याग कर देना। तो ये तो बुद्धिज्म में नहीं था, बुद्धिज्म मिडिल पाथ फॉलो करवाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, अपना बी गलत हो गया। अब अगला देखते हैं हम, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, ये भी एप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा है, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट के मतलब शांति या फिर रेस्ट की स्टेट में होना, का मतलब क्या, निर्वाण का मतलब शांति या रेस्ट के स्टेट में होना, तो ये तो नहीं होगा। कि निर्वाण का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो कोई भी चिंता या कोई भी सौरव ना हो या कोई भी वरी ना हो इंसान को, वो होती है उसके निर्वाण। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, अगला है अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, नो ये भी नहीं होगा। मेंटल स्टेज बस नहीं, फिजिकली भी होता है इसमें, फिजिकली निर्वाण भी होना चाहिए, बल्कि फिजिकली डिजायर जो है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए ये तीनों गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा ए होगा इसका, क्यों, डिजायर मेन जो है बुद्धिज्म में वो क्या है, डिजायर। हमको क्या करना है, कॉन्कर क्या करना है, डिजायर को ही कॉन्कर करना है, अपनी ही जो डिजायर है उन पर ही हमें जीत पानी है। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन भी है, द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण वॉज ओरिजिनली एक्सप्लेन बाय लॉर्ड बुद्ध, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू ब्लो आउट या फिर एक्सटिंग्विशिंग द फायर्स ऑफ ग्रीड हेट्रेड एंड इल्यूजन या फिर डिजायर्स, तो ये था इसका मतलब। अगर आपको ये नहीं बना तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, बुद्धिज्म के ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया था, उसमें ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल द अदर आर कॉल्ड विहारास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। देखिए चैत्य और विहार में डिफरेंस पूछा गया, तो ये भी हमारे बुद्धिज्म के लेक्चर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया था। चैत्य और विहारक में डिफरेंस भी बताया गया था और कि एक पिक्चर्स भी दी गई थी कि चैत्य कैसा होता है, विहार कैसा होता है, चैत्य में क्या होता है, विहार में क्या होता है, ये सब उसमें डिस्क्राइब किया गया था। अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो बट आप से लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क, चैत्य इज द स्तूप एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल विहार इज द हॉल एक्सियल टू इट, लास्ट ऑप्शन क्या है, देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, तो ये तो गलत ही कर दीजिए, डिफरेंस तो है। ओके, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। आपके पास बचते हैं तीन ऑप्शन। अब आपने अगर लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा चैत्य क्या होते थे, चैत्य होते थे प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जहां पर प्रेयर की जाती थी, या प्रेयर हॉल को ही चैत्य कहते हैं, जहां पर सभी मॉन्क इकट्ठे होकर प्रेयर करते थे। बीच में बुद्ध का एक आइडल भी था, फोटो में आपने देखा होगा, और उसके आजू बाजू पूरा कहाँ मॉन्क्स बैठते थे और प्रेयर करते थे। विहार क्या थे, विहार जो थे वो रेसिडेंशियल एरिया था मॉन्क्स के लिए, मतलब वहां पे मॉन्क्स रहते थे, जो विहार थे वहां पर वो ड्वेलिंग प्लेस थी किसके लिए, मॉन्क्स के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, चैत्य जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है और विहार जो है वो ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क्स है। ठीक है, सही आंसर इसका बी, ये यूपीएससी ने जो है 13 में पूछा था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेस, देखिए जो भूमि स्पर्श मुद्रा है लॉर्ड बुद्धा की, मतलब इस मुद्रा में, मतलब कैसी मुद्रा है ये, भूमि स्पर्श का मतलब है कि जमीन को टच करते हुए जो बैठे हैं गौतम बुद्ध जी, तो वो किस चीज को डोनेट करता है या किस डिनोट करता है या फिर किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन, कि मारा यहाँ पे क्या है, मारा एक तरीके से डीमोन है, तरीके से डीमोन है बुद्धिज्म के अंदर। मारा मतलब कि जब बुद्ध जी जो थे जब वो मेडिटेट करते थे तब क्या होता था, ये जो मारा है जो वो उनको डिस्टर्ब करता था या फिर उनकी मेडिटेशन को पूरे होने से रोकता था। तो मारा एक तरीके से किस चीज को पर्सोनिफाई करता है, डिजायर्स हो गए या सौरोज हो गए या जो भी इच्छाएं थी उसको पर्सोनिफाई करके मारा बोला जाता है उसको।
तो देखिए, पहला क्या है, बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। अगला है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ द मारा। बुद्धास रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर्स दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम द अर्थ एंड फाइनली डिसॉल्व इनटू द अर्थ एंड दस दिस लाइफ इज ट्रांजिटरी। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बी, बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। मतलब जो मारा जो डीमन है या जो पर्सोनिफिकेशन है डिजायर का, वो भी उसके इतने टेम्पटेशंस के बावजूद भी बुद्ध जो है वो अर्थ को अपनी प्योरिटी और चेस्टिटी बता रहे हैं। तो ये जो मुद्रा है वो ये डिफाइन करती है या ये डिनोट करती है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये देखिए ये मुद्रा है, यहाँ पे ये देखिए भूमि स्पर्श मतलब जो जमीन है उसको टच कर रहे हैं बुद्ध अपने मुद्रा में बैठकर। तो ये क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। द अर्थ विटनेस बुद्धा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आइकॉनिक इमेज ऑफ बुद्धा। It depicts the Buddha sitting in meditation with his left hand palm upright in his lap and his right hand touching the earth. Touching the earth yani earth yani bhumi sparsh. This represents the moment of Buddha's enlightenment. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बुद्धा के जो एनलाइटनमेंट का जो मोमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था मतलब कि जब बुद्ध ने अपनी प्योरिटी और चेस्टिटी प्रूव कर दी थी, तो वो क्या मोमेंट था, वो था एनलाइटनमेंट का मोमेंट। और वो किस से डिनोट किया जाता था, वो डिनोट किया जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा से। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर या हमारे किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, आप से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।